दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 मई यानी कि ईद के दिन सलमान खान की बहन अर्पिता खान और उनके बहनोई आयुष शर्मा ने ईद का जश्न रखा था और उस पार्टी में खूब एंजॉय भी किया था। लेकिन अब ईद के कुछ दिनों बाद ही एक्टर आयुष शर्मा के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हाँ, दरअसल आयुष शर्मा के दादा और पूर्व दूरसंचार मंत्री पंडित सुखराम शर्मा की तबीयत खराब हो गई है। सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंडित सुखराम शर्मा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर थे। उनके कार्यकाल में 31 जुलाई 1995 को पहली बार मोबाइल फोन कॉल का इस्तेमाल कर भारत ने इतिहास रच दिया था। ये बातचीत उनके और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के बीच की गई थी। ये कॉल नोकिया फोन पर की गई थी। खबरों के मुताबिक सुखराम की तबीयत शुक्रवार को खराब हुई, जिसके बाद परिवार ने उन्हें एयरलिफ्ट से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। दादा की तबीयत खराब होने से आयुष काफी परेशान है। सुखराम की जब तबीयत खराब हुई तो वो उस समय मनाली में थे। पंडित सुखराम मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। उन्होंने 5 बार विधानसभा चुनाव और 3 बार लोकसभा चुनाव जीता है। 1991 से लेकर 1996 तक वो पीवी नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े कई आरोप लगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें संचार क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। आप सब ये तो जानते हैं कि आयुष शर्मा सलमान के जीजा हैं। आयुष कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं जिन्हें लोगों द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया। तो दोस्तों, आप भी आयुष शर्मा के दादा की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करें और ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।